एक ऐसी मूवी है जो स्पीड से जा रही है बुलेट ट्रेन, उसी स्पीड से इस मूवी को बनाया गया है। उसकी एक्शन स्टार्टिंग से लेकर एंड तक इतनी अच्छी तरीके से दिखाई गई है कि आपको लगेगा कि कोई मूवी आई है जो देखने लायक है, जिसके पीछे दो घंटे स्पेंड करने लायक है। ब्रैड पिट और उसके डायरेक्टर डेडपूल, आपको पता है डेडपूल की जो मूवी थी उसके जो एक्शन है, और जो फास्ट एंड फ्यूरियस, वो दोनों के सेम डायरेक्टर है, उसी डायरेक्टर ने इस मूवी को डायरेक्ट किया है। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि इसमें किस तरह की एक्शन होगी, और हर एक एक्शन के साथ साथ इन लोगों ने दो घंटे में 8 से 10 वहां पे जो कैरेक्टर है उसको बिल्ड किया है, और हर एक जो वहां पे जो कैरेक्टर है उसकी स्टोरी को बिल्ड किया है मूवी के साथ साथ, और बीच में जो जो भी एक्शन आ रही है उसको दिखाया गया है मूवी में। स्टार्टिंग से जो हर एक वहां पे जो कैरेक्टर है जिसको बिल्ड किया है, एक एक जो कैरेक्टर है उसकी स्टोरी बहुत ही यूनिक है, उसका क्या रोल है, क्यों आ रहा है, और आके आने के बाद वहां पे किसको मार रहा है, वो बहुत ही अच्छी तरीके से दिखाया गया है। लेडी बग जो ब्रैड पिट का रोल कर रहा है, उसको पूरी स्टार्टिंग से लेकर मूवी में ऐसे लगता है कि वो सबसे अनलक्की पर्सन है, लेकिन लक सबसे ज्यादा उसका ही काम कर रहा है। लेडी बग जो ब्रैड पिट का जो कैरेक्टर है, उसको स्टार्टिंग से ऐसा ही लगता है कि सबसे बैड लक मेरा है, लेकिन सबसे अच्छा लक लेके वही आता है और सबकी बैंड वही बजा रहे हैं पूरी मूवी में। और सबसे अच्छी बात इस मूवी की ये है कि आपको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक कहीं भी बीच में ऐसा नहीं लगेगा कि मूवी थोड़ी स्लो हो रही है, क्योंकि वो बुलेट ट्रेन में जा रही है शायद। और उसके साथ साथ मेन चीज वही है कि सबसे दो अच्छे कैरेक्टर है लेमन और एक टेंजरीन, ये दोनों बंदे ने जिस तरीके से इस मूवी की कॉमेडी को मैनेज किया है, उसको बिल्ड किया है, और हर एक सीन में हर एक एक्शन के साथ साथ उन लोगों ने जो कॉमेडी का जो स्वाद हमको दिया है वो बहुत ही अच्छी तरीके से दिया है। और मूवी का जो एंडिंग है वो सबसे बढ़िया मैं बोलूंगा, सबसे ज्यादा एक्शन वाला है, सबसे ज्यादा पैसा उन्होंने एंड में स्पेंड किया ऐसा लग रहा है, क्योंकि बुलेट ट्रेन की पूरी वो वहां पर पूरी वाट लगा देता है। और मूवी के एंडिंग में बहुत सारे वहां पे कैमियो भी आएंगे बीच में, एंडिंग में जो आपको लगेगा अरे अरे ये भी है, ये भी है और ये भी है, और उनके साथ साथ आपको लगेगा कि इसके बाद शायद इसका प्रीक्वल या फिर इसका सीक्वल पक्का आने वाला है। मूवी अच्छी है, दो घंटे आपको पता नहीं चलेगा कब स्टार्ट हुई और उसका कब हो गया फिनिश, देखने लायक, एक बार जाइए देखिए और एक्सपीरियंस करिए। थैंक यू।